तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में जितना भी कैच फाइल है उसको क्लियर कर सकते हैं और आपके पीसी को फास्ट कर सकते हैं और उसको बूस्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड में विंडोज़ की प्लस आर प्रेस करेंगे जिससे ये रन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है prefetch prefetch लिख के एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको एक परमिशन मांगेगा, यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी फाइल को एक सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में CTRL प्लस ए प्रेस करेंगे जिससे जितना भी फाइल इस फोल्डर में है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करके डिलीट प्रेस करेंगे जिससे जो अंदर का फाइल है वो सारा परमानेंट डिलीट हो जाए। इसके बाद आप यस करेंगे। कोई भी फाइल अगर डिलीट नहीं हो रहा हो तो आप इसको डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स में टिक करेंगे और स्किप करेंगे। उसके बाद आपको फिर से विंडोज़ की प्लस आर प्रेस करना है, फिर से ये रन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है TEMP, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे फिर से परमिशन मांगेगा, आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और सेम जैसे हम पहले किए थे एक फाइल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में CTRL प्लस ए प्रेस करेंगे जिससे सारे फाइल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करेंगे और यस करेंगे। यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा, आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और जो जो फाइल डिलीट नहीं हो रहा है सेम डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम में क्लिक करेंगे और स्किप करेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। और एक बार हम लोगों को विंडोज़ की प्लस आर में प्रेस करना है और ये रन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है परसेंटेज TEMP और लास्ट में और एक परसेंटेज। ये दूसरा फोल्डर है, इसमें भी आपको ओके करना है सेम जैसे फाइल्स आए थे, एक को सिलेक्ट करके CTRL प्लस ए करके शिफ्ट प्लस डिलीट करना है और इसको यस करना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करना है और कोई भी फाइल डिलीट ना हो तो डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स में क्लिक करके स्किप करना है। जो बचा हुआ है उसको छोड़ देना है और काट देना है। उसके बाद और एक बार आपको विंडोज़ की प्लस आर प्रेस करना है, ये रन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है क्लीन फिर MGR, ओके, फिर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपका ड्राइव खुल जाएगा जिस ड्राइव में आप विंडोज़ इंस्टॉल किए हैं, जैसे मैं सी ड्राइव में किया हूँ तो वहाँ पे मैं जाऊँगा फिर ओके में क्लिक करूँगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स, यहाँ पे जितना भी है वो सबको आपको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। और यहाँ पे डिलीट फाइल्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिलीट फाइल्स करना है। तो यहाँ पे सी ड्राइव का जितना भी टेम्पोररी फाइल्स है वो सब डिलीट हो जाएगा और आपका कंप्यूटर का पूरा कैच फाइल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चार स्टेप आपको फॉलो करना है और आपका पीसी पहले से फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए और इस वीडियो में लाइक नहीं किए तो अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।